टॉपिक है खनिज संसाधन का, ये अंतिम वीडियो है और ये जो संबंधित है अलोह करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट का हम देखते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम के विनिर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट एक कच्चा माल है एल्युमिनियम के लिए। दूसरा देखते हैं टर्सरी निक्षेपों में यह बॉक्साइट पाया जाता है, या तो बोल सकते हैं कि दक्कन चट्टानों में, दक्कन क्रम की चट्टानों में यह बॉक्साइट पाया जाता है, या टर्सरी क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है। और ये जो चट्टान है किसमें मिलता है, ज़्यादातर लेटराइट चट्टानों में प्राप्त होता है, मतलब लेटराइट मिट्टी कहें या चट्टान कहें, इसमें बॉक्साइट का निक्षेप अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। और देख लेते हैं कि इसका भंडार भारत के संदर्भ में, देखिए भारत का नक्शा है, भारत के संदर्भ में बॉक्साइट का जो भंडार है 329 करोड़ टन है, और सर्वाधिक जो है भंडारण 42% उड़ीसा में है। तो अब देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार में बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। इसके लिए क्या चाहिए, अधिक से अधिक ताप और अधिक से अधिक विद्युत चाहिए। तो देख लेते हैं बॉक्साइट का भारत में वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो देखते हैं सबसे पहले उड़ीसा, ये पहले नंबर में है बॉक्साइट के मामले में। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक देख लेते हैं कि बॉक्साइट किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो देख सकते हैं कि दक्कन की चट्टानों में, दक्कन क्रम की चट्टानों में, या टर्सरी निक्षेपों में, या हम बोल सकते हैं कि लेटराइट चट्टान, दक्कन को आप समझ लीजिए ढक्कन, मतलब बक्सा जो है ना, एक आप समझ लीजिए बक्सा है उसका एक ढक्कन है ना, मतलब बॉक्साइट क्रम की चट्टाने होगा तो ढक्कन मतलब दक्कन आएगा। हमने पढ़ा था लो अयस्क के बारे में, लो अयस्क की जो चट्टान है इसके बारे में हमने देखा था वहाँ पर कि जो कुल्हाड़ी जितने भी धारदार धातु जो होते हैं वो ज़्यादातर किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, और लोहा मतलब धार की बात करता है, धार मतलब हर समय वहाँ पर काफ़ी नुकीला धार होता है। तो देख सकते हैं कि लो अयस्क जो है धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, बॉक्साइट ढक्कन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो हम इसी ट्रिक को देखते हैं कि बक्सा का ढक्कन है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बक्से की ढक्कन के अंदर क्या रखा गया, सबका काले बाल को रखा गया है। उड़ीसा के संदर्भ में देखें कि इस बक्से में जो सैलून वाले हैं वो क्या सबका काला बाल को ढक्कन में, मतलब बक्से में रखते हैं। तो उड़ीसा के बारे में देख लीजिए, सबका मतलब संबलपुर, काला हांडी मतलब काला बाल, मतलब बालंगीर, बालंगीर बाल से बालंगीर हो गया, सुंदरगढ़। तो इसको याद रखना है कि इन उड़ीसा के निम्न जिले हैं जहां पर बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है। गुजरात, गुजरात में बॉक्साइट 17% के आसपास भंडारण है। पूरे भारत की बात करें तो गुजरात में देख सकते हैं जामनगर, कच्छ और सूरत, जाम और कच्छ, मतलब एक बक्से में हमने क्या किया, जामुन को रखा और कच्छा रख दिया है ना। तो ये जाम नगर और कच्छ याद रखिएगा बक्से में रखा गया है, मतलब बॉक्साइट में है, मतलब सूरत, ठीक है। अगला आता है झारखंड के, देख लेते हैं तीसरा भंडारण क्षमता है, मतलब भंडार के मामले में ये भारत में तीसरा राज्य है। तो झारखंड में देखते हैं रांची और पलामू, पलामू और रांची जो है झारखंड जो है भारत के संदर्भ में तीसरा क्रम का बॉक्साइट क्रम है, मतलब भंडारण की दृष्टि से। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बरगवान पहाड़ी, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बरगवान पहाड़ी किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बरगवान, तो बस से बरगवान, बस से बॉक्साइट, तो याद कर सकते हैं कि बॉक्साइट जो है बरगवान पहाड़ियों में पाया जाता है। फिर देखते हैं कटनी और जबलपुर में भी ये पाया जाता है, और अमरकंटक की पहाड़ियों में भी बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बरगवान पहाड़ी और कटनी और जबलपुर। महाराष्ट्र के संदर्भ देखते हैं बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, तो कोलाबा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, बक्से के अंदर रत्न को रखे हैं, कोयला को रखे हैं, मतलब कोला मतलब कोल्हापुर, कोयला मतलब कोल्हापुर, रत्नागिरी, और आता है एक
कोलाबा, ये महाराष्ट्र में है। और अंतिम देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में शिवराय की पहाड़ियों में बक्साइट पाया जाता है। तो यहाँ पर पहाड़ियों की बात कर लें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बक्साइट के संदर्भ में कि शिवराय की पहाड़ी किस लिए प्रचलित है, मतलब फेमस क्यों है। तो बक्साइट उत्खनन किया जाता है यहाँ पर। और बरगावान की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि फुटका पहाड़ जो कि कोरबा जिले में अवस्थित है, फुटका पहाड़ में बक्साइट उत्खनन किया जाता है जो अब समाप्ति की ओर है। अब वो मेन पार्ट से उत्खनन किया जाता है। तो मेन पार्ट जो कि सरगुजा में है वहाँ भी बक्साइट मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बक्साइट पाया जाता है अधिकांशतः। बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, सरगुजा हो गया और जसपुर के कुछ क्षेत्रों में बक्साइट पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बक्साइट की उपयोगिता को देखा कि बक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है। हमने देखा कि यह दक्कन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है या तो टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। हमने भारत में इसका वितरण को देखा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य है भंडारण की दृष्टि से पिराता है, गुजरात के झारखंड। हमको ये तीनों क्रम को याद रखना है, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। और हमको पहाड़ियों को याद रखना है, शिवराय की पहाड़ियाँ और बरगावान की पहाड़ियाँ। तो ये आपको पहाड़ियाँ याद करना पड़ेगा बक्साइट के संदर्भ में। अब देखते हैं तांबा। तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, मगर ये अलोह धातु है, मगर विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। मतलब यह ज़्यादातर विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है तांबे का। भारत के संदर्भ में ये तांबा अपेक्षाकृत दुर्लभ है, मतलब कम मात्रा में मिलता है। इसे भारत कनाडा से मंगाता है एवं अफ्रीकी देशों से मंगाता है, आयात करता है भारत। तांबे के संदर्भ में जो खनन कार्य है या प्रगलन कार्य है, मतलब तांबे को ज़्यादातर जो खनन वाला कार्य है वह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एवं ये जो तांबा है सोना चांदी के साथ मिश्रित अवस्था मिलता है, ऐसा नहीं कि ये अपेक्षा के किसी स्थान पर प्राप्त होता है, या सोने एवं चांदी के मिश्रित रूप में प्राप्त होता है तांबा। तांबा के संदर्भ में देखते हैं कि यह सल्फाइड के रूप में मिलता है, मतलब भारत के संदर्भ देखें कि यह सल्फाइड के रूप में मिलता है। सल्फाइड के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, केल्कोपाइराइट और केल्कोसाइट और ब्रोनाइट। मतलब ये जो केल्कोपाइराइट और केल्कोसाइट और ब्रोनाइट के साथ हमको तांबा मिलता है। और एवं कुछ क्षेत्रों में जैसे कि ऑक्साइड या क्यूपराइट और कार्बोनेट मेलाकाइट के रूप में भी हमको प्राप्त होता है। मतलब ये इनसे भी हमको तांबा प्राप्त होता है। वो तांबा की संदर्भ देखा जाए कि ये कड़प्पा क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। कड़प्पा क्रम की चट्टाने जैसे छत्तीसगढ़ की जो मैदान है वह कड़प्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित है, या अरावली संरचना, मतलब अरावली पहाड़ी की जो संरचना बनी होगी उस क्षेत्रों में प्राप्त होता है। मतलब अरावली पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से क्षेत्र में तांबा सबसे ज़्यादा, राजस्थान में तांबा पाया जाता है। तो राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू और अलवर क्षेत्र में यह तांबा पाया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। खेतरी किस लिए प्रचलित है, क्यों प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है भारत के संदर्भ में। तो खेतरी, झुंझुनू, अलवर। इसके बाद आता है, देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगा ये, बालाघाट और मलाजखंड। मलाजखंड क्यों प्रसिद्ध है, प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, तो आपको याद रखना है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो मलाजखंड और बालाघाट मध्य प्रदेश में है। झारखंड में देखते हैं कि सिंहभूमि, पलामू और घाटशिला। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि घाटशिला क्यों प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला जो कि झारखंड में है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नालकोंडा, इन जिलों में तांबा पाया जाता है। तो गुंटूर में अग्निगुंडाला पेटी है, मतलब अग्निगुंडाला पेटी क्यों प्रसिद्ध है, तो तांबे की पेटी है। मतलब कोई पेटी विशेष क्या है, किसी क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष
का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है वह पेटी कहलाता है। तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कल्याणी, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा और हसन, इस क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? तांबा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से राज्य तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें इम्पोर्टेंट तो आ जाता है कि खेतरी का नाम याद करना है ना, जो राजस्थान में तांबे के लिए फेमस है। मलाज खंड याद रखना है जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है कि घाट शिला तांबा के लिए फेमस है जो कहाँ है, झारखंड में। आपको याद रखना है कि अग्नि गंडोला पेटी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि गुलबर्गा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से भारत के संदर्भ में तांबे का यह विवरण होता है पूरा। अब देखते हैं सोने की बात करते हैं। सोना जो है क्वार्ट्ज चट्टानों में पाया जाता है एवं नदियों के रेतों में या बालू में पाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सोन नदी और रीम नदी में स्वर्ण पाया जाता है, सोना पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है वहां भी ये सोना पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि भारत में कौन सा राज्य में सोना सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। कर्नाटक की बात करें तो ये दो क्षेत्रों में बांटा गया है, कोलार क्षेत्र और हट्टी क्षेत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलार क्षेत्र और हट्टी क्षेत्र किन नामों से जाना जाता है, तो स्वर्ण के लिए, सोने के लिए जाना जाता है। तो कोलार क्षेत्र में दो खान है, चैंपियन रीफ और ओरेगन रीफ। तो याद रखिएगा चैंपियन रीफ और ओरेगन रीफ किस राज्य में है, तो कर्नाटक में, ठीक है। एक खनन क्षेत्र है जो कि जाना जाता है स्वर्ण के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कर्नाटक में कोलार हट्टी क्षेत्र में दो खनन क्षेत्र है, आता है हट्टी क्षेत्र। हट्टी क्षेत्र में देखते हैं ओकले रीफ जो है कर्नाटक राज्य में, दो क्षेत्र हैं कोलार क्षेत्र और हट्टी क्षेत्र। कोलार क्षेत्र में दो खनन क्षेत्र है, चैंपियन ओरेगन रीफ, ठीक है, और हट्टी क्षेत्र में है ओकले रीफ। तो याद रखिएगा कर्नाटक के संदर्भ में। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश में चिगार गुट्टा खान और रामगिरी। चिगार गुट्टा खान किस लिए फेमस है, स्वर्ण के लिए, सोने के लिए, और रामगिरी ये आंध्र प्रदेश में है। के संदर्भ में दो राज्य मुख्य रूप से हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में उत्खनन किया जाता है और भंडारण कहाँ किस राज्य में, तो दोनों आएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा भंडारण भी है सोने का और उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो ये सोने के संदर्भ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाता है। अब देखते हैं आगे सिल्वर के संदर्भ में, चांदी के संदर्भ में देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, ये जस्ता या सीसा या तांबा आदि अयस्कों के साथ ये पाया जाता है, मिश्रित रूप में पाया जाता है। और देखा जाता है कि चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, जावर में, मगर देखा जाए कि भारत के संदर्भ में चांदी सबसे कम उत्पादन होता है। देखा जाए कि विश्व संदर्भ में चांदी के मामले में भारत कम है, मतलब कम उत्पादित करता है, भंडारण भी कम होता है चांदी के संदर्भ में। अब देखते हैं संगमरमर के संदर्भ में। संगमरमर के संदर्भ में राजस्थान मुख्य राज है। हम देखते हैं कि संगमरमर मतलब जो मार्बल है वो ताजमहल में जो बहुत खूबसूरत है, सातवां अजूबा में से है ताजमहल, जिसमें जो संगमरमर का यूज किया गया था, कहाँ से किया गया था, मकराना क्षेत्र से किया गया था। मकराना क्षेत्र के संगमरमर का यूज किया गया था ताजमहल में। तो ये नागौर जिले में मकराना खनन क्षेत्र है, जैसलमेर और अजमेर ये कहाँ है, राजस्थान में। फिर अगला आता है मध्य प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है। जब आप जाओगे भेड़ाघाट, जबलपुर में स्थित है नर्मदा नदी पर, तो वहां पर आप देखोगे आसपास क्षेत्रों में पूरी तरह से संगमरमर की चट्टाने हैं, है? तो हम देखते हैं कि जबलपुर और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। फिर आता है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में संगमरमर पाया जाता है। तो इस प्रकार से संगमरमर या मार्बल का हो जाता है। ग्रेफाइट जो है यह उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडारण होता है उड़ीसा में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और एक इम्पोर्टेंट खनन है तमिलनाडु में रामनाथपुरम जो है वो ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब रामनाथपुरम में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का उत्खनन किया जाता है तमिलनाडु के संदर्भ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रेफाइट भी पूरा हो जाता है। सोने के बारे में, सोना जो है हमको जानना जरूरी है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा भंडारण है सोने का, कोलार हट्टी
में जो खान है, हमने देखा चैंपियन ओरेगन रीफ जो होता है और एक है ओकले रीफ, ये तीनों रीफ हैं कर्नाटक में। और हमने देखा आंध्र प्रदेश में भी यह उत्पादित होता है रामगिरी क्षेत्र में। और फिर देखा चांदी के संदर्भ में, चांदी के संदर्भ में फिर संगमरमर फिर ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से देखा कि अलोह खनिज पूरा जाता जिसमें ये खनिज सम्मिलित है।